और फिर मुझे ये भी पता है कि मुझे कौन ही लेने आएगा, है ना, क्योंकि कौन ही है मेरा। मुझे माइंड डाइवर्ट करना है, अदरवाइज मैं रो रो के पक गई हूँ। तो फिर मुझे ऐसा पेन हुआ कि मुझे लगा कि शायद टूट गया है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों को एक न्यू ब्लॉग में। स्वागत करती है ये शिल्पा, मैं थी। मैं आप लोगों को क्या ये बताऊँ, थोपड़ा तो आप लोगों को बिगड़ा हुआ पता चल ही रहा है। सो गाइस, बुरे दिन ख़त्म होगा वो अलग बात है, भगवान मुझे मार क्यों नहीं लेके जाता मुझे पता नहीं चल रहा। इतना गंदा मेरा चल रहा है, क्या बताओ गाइस। आज ट्यूशन करने के लिए आई थी सुबह सुबह, और ट्यूशन भी ख़त्म कर दिया। देन ट्यूशन से निकली ही थी, जस्ट ट्यूशन के घर से निकली थी और फिर मैं गिर गई। और पहाड़ का रास्ता, और हमारे पहाड़ का रास्ता तो आप लोगों को पता ही है, सीढ़ी वीढ़ी तो है ही नहीं, इधर उधर पत्थर वत्थर है, ऐसे ही आना जाना चलता है। एक पत्थर पे मेरा सर सर बोल रही हूँ, पैर ऐसे लगा और मैं पूरा लड़के खड़े के खड़े वो धड़ाम करके ऐसे गिर गई। मतलब आप सोचो कितना मुझे दर्द हुआ होगा कि मैं ऐसे गिरी हूँ। अभी आप लोग सोच रहे होंगे इतना गिरी हो तो व्लॉगिंग क्यों कर रहे हो, क्योंकि मुझे माइंड डाइवर्ट करना है, अदरवाइज मैं रो रो के पक गई हूँ। क्योंकि गाइज मैं जब गिरी ना, ऐसे फ़ोन था, फ़ोन के ऊपर मैं थी, मुझे वो पता चल रहा था, और मेरा बॉडी सिर्फ पेन कर रहा था, मैं उठ भी नहीं पाई। पता है ऐसे भी तो मैं गिरती हूँ, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि उठ जाती हूँ और हंस के आप लोगों से बात कर ली। लेकिन आज मुझे ऐसा लगा कि मेरे पैर टूट गया है और मैं शायद आज से चल ही नहीं पाऊंगी, ऐसा जो फीलिंग आया ना कि मैं क्या ही बताऊँ। तो सिर्फ मैं, मुझे पता था कि आसपास कौन है, तो मैं से बोल रही थी मुझे उठा लो उठा लो उठा लो, क्योंकि मुझे ना बहुत डर लगता है कि मेरा हड्डी टूट जाए, बाकी मतलब चमड़ी भी निकल जाए तो मैं बोरोप्लस लगा के उसको ठीक कर दूंगी, लेकिन सिलाई से और फिर हड्डी टूटने से मुझे बहुत डर है। तो फिर मुझे ऐसा पेन हुआ कि मुझे लगा कि शायद टूट गया है। तो फिर मैंने लोगों को बुलाया, सिर्फ आवाज़ दे सकती थी, पूरा बॉडी ऐसा हो गया था कि मैं हिला ही नहीं पा रही थी। वो लोग आए, मुझे उठा के लेके गए, लेकिन मेरे दोनों पैर ऐसे लग रहे थे कि गया। और फिर यहाँ पे ये एरिया आप लोग देख रहे हो फूल चुका है, अभी ऐसे लग रहे थे दांत निकल गया है, फिर ये सब चमड़े निकल गया है। सिर्फ मैं, पहले तो मेरा पैर का भी नहीं आया, क्योंकि फेस गंदा हो जाएगा ना, वो चीज़ पहले आता है। तो फिर पहले मैं ऐसे ऐसे करके देख रही हूँ कि चमड़ी निकल गया क्या, लेकिन चमड़ी तो नहीं गया। फिर वो रिलैक्स हो गई मैं कि चमड़ी नहीं निकल गया, लेकिन इतना डर अभी भी, मतलब यहाँ पे दांत इतना डर्ट कर रहा है, ये एरिया इतना डर्ट कर रहा है कि मैं क्या ये बताऊँ। और उसके बाद मेरे पैर, ये उंगली में भी हुआ है, ये तो मुझे अभी फील हो रहा है। तब तो मुझे मतलब बाकी चीज़ों का इतना हो गया है कि मुझे ये सब फील ही नहीं हुआ, ये पूरा उंगली अभी मैं मतलब हिला ही नहीं पा रही, इतना ज़्यादा दर्द है। फिर मेरे दोनों पैर, एक पैर के लेफ्ट वाले पैर के घुटने पे लगा, वो भी मतलब जोर से ही लगा, वो भी मतलब मैं एक्सेप्ट कर सकती थी कि यस ये मैं सह सकती हूँ। लेकिन जो मेरे राइट साइड के पैर पे लगा है, मतलब थाई पे कितना, मतलब सिर्फ ऐसे हड्डी नहीं होता वहाँ पे, बहुत ज़्यादा मांस होता है तो आप लोग पता ही है। तो पूरा ऐसा एक खड़ा वाला पत्थर था, तो वहाँ पे मेरा थाई गिरा, मतलब ऐसा पत्थर पे मेरा थाई गिरा, तो वो मतलब फट नहीं गया, क्योंकि मैं जीन्स पहनी हुई थी और बहुत मोटा जीन्स था, मेरा जीन्स ना बहुत मोटा है एकदम ठीक वाला मटेरियल। उसके वजह से कहीं पे भी ना चमड़ी नहीं निकला, फटा भी नहीं कहीं पे कुछ दीवार, लेकिन अंदर से पूरा फ्रैक्चर हो गया। और फिर मैं इतना रोई इतना रोई इतना रोई, मेरे स्टूडेंट था सामने, क्योंकि स्टूडेंट के घर से तो निकले ही थे ना, इतना रोई गाइस, अभी भी सोच के रोना आ रही, इतना मुझे दर्द हुआ। मतलब
अनबिलीवेबल, ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाऊँ, मतलब इतना दर्द हो रहा था। फिर उन लोगों ने बोला मम्मी को फ़ोन करो, मम्मी को फ़ोन करो, तभी मम्मी का फ़ोन आ गया। तो उन लोगों ने बात की, फिर वो लोग बोले कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ डी के घर। फिर मैंने बोला कि नहीं रे, अभी तो मेरे से हालत नहीं है कि मैं चेयर से उठ के चलूँ भी, और मैं कामाख्या तक कैसे जाऊँ। तो फिर क्या हुआ, और फिर मुझे ये भी पता है कि मुझे कौन ही लेने आएगा, है ना, क्योंकि कौन ही है मेरा। मुझे तो पता ही है कि मुझे अकेले ही घूमना है, कहीं कितना भी कुछ हो जाए मुझे खुद ही मतलब चीजें सॉर्ट आउट करना है। लोग तो बोलेंगे, मम्मी को बोले मम्मी क्या ही कर देगी, वो भी रेडी होके आएगी, ये करेगी वो करेगी, तब तक टाइम निकल जाएगा। तो फिर मैंने बोला नहीं नहीं मैं खुद ही जाऊंगी करके मैं आ गई। फिर उन लोगों ने बोला कि मूव लगा लो। फिर मैं तो जींस पहनी हुई थी तो लगा भी नहीं पा रही थी। फिर मैंने जूता खोला, फिर शूज खोले, फिर एक हवाई चप्पल पहन के मैं घर तक आ गई, रो 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 के, क्योंकि इतना ज्यादा पेन गाइस फील हुआ ही नहीं था कभी, इतना ज्यादा पेन हुआ मुझे। फिर घर आई और फिर जीजू लोग बोल रहे थे कि हम आ रहे हैं, डॉक्टर के पास जाना है। फिर मैंने बोला कि नहीं अभी नहीं जाना, क्योंकि कहीं पे तो चमड़ी तो निकला ही नहीं है, सिर्फ अंदर अंदर से फ्रैक्चर हुआ है, वो क्या ही होगा, तो नहीं जाना है डॉक्टर के पास, ऐसे मैंने सोचा है। लेकिन वो लोग बोल रहे कि शायद वो लोग आएंगे, लेकिन मैंने माना मना कर दिया है कि नहीं आना है, क्योंकि सॉरी मैं रो दी क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। फिर क्या कहे, अकेले इंसान के लाइफ में यही है कि आपके साथ कुछ भी हो जाए कि आपको ही लड़ना पड़ता है ना। फिर घर आई, सोने जीजू ने बोला ठीक है तुम 2 मिनट रेस्ट कर लो, सो जाओ, फिर लेके जाते, क्योंकि मैं चल ही नहीं पा रही थी। तो उन्होंने बोला ऐसे, मैंने बोला ठीक है, लेकिन मेरे से नींद, मेरे को तो नींद भी नहीं आ रहा था। फिर मैं अभी बाहर गई थी, थोड़ा धूप में बैठी, और फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगा, बहुत दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। लेकिन मुझे आप लोगों से बात करना था, क्योंकि मेरे साथ कुछ भी होता है आजकल, कुछ कितने दिनों से मैं डेली व्लॉगिंग कर रही हूँ, तो मतलब कुछ भी हो आप लोगों से शेयर ना करो तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। तो फिर इसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अकेले अकेले रोने से अच्छा है कि आप लोगों से बात कर लूँ, थोड़ा सा रिलीफ महसूस होगा अंदर से, है ना। तो बहुत लंबा बात कर ली, मिलते हैं, क्या करूँगी देखते हैं, जो भी करूँगी बात करूँगी। थोड़ा मैंने चाय पी लिया, पास के मौसी ने मुझे चाय पिलाया तो चाय पी ली, और फिलहाल तो मैं ऐसे ही बैठी रहूंगी कुछ देर तक, फिर देखेंगे क्या होता है। मुझे बहुत पेन हो रहा है गाइस, मैं चल नहीं पा रही हूँ, बैठ नहीं पा रही हूँ, क्या हो गया गाइस। और यहाँ से तो ऐसा लग रहा है कि कुछ अलग ही फील हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है ये एरिया, कल तक तो ये सब काला हो जाएगा मुझे लगता है। तो फिर मुझे मास्क लगा के घूमना पड़ेगा। आप लोगों को अगर पता है कि काला होने के बाद क्या लगाने से ठीक होता है तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि नहीं तो मैं ये थोपड़ा लेके घूमूंगी। क्या बुरे दिन चल रहे हैं गाइस, कितना ट्राई करती हूँ ठीक चले लेकिन कुछ ना कुछ हो ही जाता है, भगवान भी ना उसका ही परीक्षा लेता है जो ऑलरेडी मुसीबत में है। चलो रोना धोना छोड़ के मैं रेडी हो चुकी हूँ, नीचे जाऊंगी, जीजू खड़े हैं, वहाँ से डॉक्टर के पास जाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और ये भी आप लोग देख सकते हो मेरा जॉ फूल रहा है धीरे धीरे, तो इससे पहले मैं डॉक्टर के पास चली जाऊँ।
रोना धोना ख़त्म कर दिया, क्योंकि मुझे भी पता है रोना धोना करके कोई फ़ायदा नहीं है, मैं वैसे ही ऐसे ही रोऊंगी, किस कौन ही आएगा मुझे ठीक करने। सो यही, और आप लोग ये भी कमेंट मत करना कि देखो ये इतनी बुरी तरह से गिर गई फिर भी इसको व्लॉगिंग करना है, क्योंकि गाइस अगर मैं सब कुछ अकेले कर ही सकती हूँ इतनी गिरने पड़ने के बाद भी, अगर अकेले ही घर आना है, अकेले ही इसको ठीक करना है, अकेले ही रेडी होना है, अकेले ही नीचे जाना है, तो मुझे व्लॉग करने के लिए और कोई क्या चाहिए, मैं व्लॉग भी एक साथ कर ही सकती हूँ। और आप लोगों को बताना भूल गई थी, मेरा पूरा फ़ोन टूट गया है, सो शायद कुछ दिनों में मैं व्लॉग भी ना कर सकूँ, क्योंकि फ़ोन टूट गया है, फ़ोन का सिर्फ 1 साल हुआ है, तो दूसरा फ़ोन तो मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकती अभी। चलो मैं जाती हूँ। हेलो गाइस, आज बहुत रोना धोना हो गया, अभी मैं आ गई हूँ घर और डॉक्टर को भी दिखा दिया, इंजेक्शन दिया है एक एकदम जोरदार। अभी मुझे इस उंगली पे भी दर्द हो रहा है, राइट हैंड पे भी, और फिर इधर पे भी, मतलब कहाँ नहीं हो रहा है, और ये देखिए इधर पे काला होना शुरू हो गया है, तो कुछ ही दिनों में ये एरिया काला हो जाएगा मेरा। कोई ना, जिंदगी है। फिलहाल मुझे बहुत नींद आ रहा है, आई डोंट नो मेडिसिन का असर है क्या है, और दर्द तो अब मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकती, पहाड़ से मैं कैसे नीचे उतरी सिर्फ मुझे पता है, ऐसा लग रहा था कि मैं जाऊँ ही ना, मैं पर ही रहूँ, फिर भी मैं आई और आके फिर चाय वाय पी ली, थोड़ा इधर पे थोड़ा गर्म लगाया, और अभी काला होना शुरू हो गया है, तो इसको अच्छे से वो करना पड़ेगा। लास्ट फर्स्ट क्लिप मैंने देखा इतना ज़्यादा मुँह कि पता नहीं क्यों कैमरे से इतना ऐसे दाना दाना दिख रहा था, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, पता नहीं क्यों ऐसा मेरा कैमरा अलग अलग जगह पे अलग अलग ट्रीट करता है मुझे, और कितना गंदा दिखा रहा था ना। कोई ना, मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, आप लोग जैसे भी देखो, क्या मैं बदल जाऊंगी फिल्टर लगा के बदल जाऊंगी, या फिर बहुत बदसूरत दिख के भी बदलनी, रियलिटी ये है तो यही है। चलो मैं अभी थोड़ा सा सोने की कोशिश करती हूँ, उठ के आप लोगों से मिलती हूँ। गाइस गाइस दोपहर हो गया है, दोपहर शाम ही होने को है, खाना नहीं खाई अभी तक, हम लोग भी आए खाने। चलो मैं दिखाती हूँ आज मम्मी क्या क्या बना। सिर्फ हमारे घर पे मीट मछली के बारे में ही बातें होता है और कुछ नहीं। गई ये गिरा, ठट्टी फूल गया, ठट्टी फूल गया है, मेरे तो पहले भी बोला ही है ना। और यहाँ पे देखिए मम्मी ने बनाई है ये आलू पम्पकिन फिश चावल और साथ में बिटर गर्ड और साथ में जिक्का, जिक्का का क्या है इंग्लिश नेम भूल गई। चलो गाइस आज का व्लॉग एंड करते हैं, आई नो आज का व्लॉग भी कुछ नहीं था, फिर भी मैं अपलोड करूँगी, क्योंकि आज का व्लॉग में इसलिए कुछ नहीं रहा क्योंकि आज मेरा पूरा बैटरी डाउन है, मैं चल नहीं पा रही हूँ, ये तो आप लोग देख ही चुके हो, अभी भी फूल रहा है दांत का अंदर इधर फूल रहा है, मैं बातें भी नहीं कर पा रही, पूरा दिन सिर्फ बेड पे बैठी रही, ये उंगली नहीं हिल रहा, पैर पूरा काला हो गया है, चल नहीं पा रही हूँ, हॉट वाटर बैग लेके बैठी हुई थी, मेडिसिन खाई और फिर वो इंजेक्शन का भी असर है थोड़ा सा, तो इसके वजह से कल मिलेगी, कल जोश लाने की कोशिश करूँगी, वो मेरा पैर ठीक हो जाए, मैं बैठ भी नहीं पा रही हूँ, चल भी नहीं पा रही हूँ। और अभी फ़िलहाल क्या हुआ है कि सुबह से इतना फील नहीं, ये ऐसे दर्द हो रहा था लेकिन स्टक नहीं हो गया था, लेकिन अभी जैसे मैं थोड़ा सा सो गई थी, सो ही नहीं ऐसे मतलब आराम की थी, बात नहीं कर रही थी, तो एक्सरसाइज बंद हो गया, डायरेक्ट ये पूरा एरिया अभी नीचे से फूल गया है, तो मैं बातें करने में इतना दिक्कत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ घुसा के रखी हूँ, और यहाँ पे काला होना शुरू हो गया है, ये देखिए काला हो गया है, और मैं हॉट वाटर लगा रही हूँ कि काला ना हो। सो कल मिलते हैं, आज वो जो भी हुआ भगवान करे रिपीट ना हो, हिस्ट्री में हिस्ट्री रिपीट ना हो गाइस, बाय बाय, कल मिलेंगे।